Xiaomi 11i 5G. गाइस रियली बताऊं तो आई लाइक पैसिफिक पर्ल और ये आपको भी पसंद आने वाला है क्योंकि गाइस ये क्रिस्टल शाइनिंग इफेक्ट के साथ आता है और बाकी के जितने भी अदर कलर ऑप्शन है वो मैट फिनिश के साथ आते हैं। एक्चुअल फोन का कलर तो स्काई ब्लू है लेकिन कोई रिफ्लेक्शन होता है लाइट इस पे आता है तो ये गाइस ऑरेंज कलर में रिफ्लेक्ट करता है। पैसिफिक पर्ल, पर्ल मतलब मोती होता है गाइस और ये सच में मोतियों की तरह चमकता है ये फोन। बॉटम साइड पे राइट स्पीकर, राइट माइक, टाइप सी पोर्ट, सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही प्लेन देखने को मिलता है जो कि काफी ही सही लग रहा है। टॉप साइड पे 3.5 mm ऑडियो जैक,
आयर ब्लास्टर, लेफ्ट माइक एंड लेफ्ट स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। एंड ऑन द राइट साइड वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन विद फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। जहां सिम स्लॉट की बात करेगा तो देख सकते हैं पूरा अंदर की तरफ होल नहीं है यहां पर, तो सिम स्लॉट को बाहर निकालने के लिए हार्डली प्रेस करना होगा, क्योंकि गाइस ये फोन IP53 रेटिंग के साथ आता है जो बेसिकली स्प्रेइंग ऑफ वाटर एंड डस्ट पार्टिकल को फोन में इंटर करने से रोकता है, तो सिम स्लॉट ये सबको जिद्दी होना तो बनता ही है। तो देख सकते हैं ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आप एक बार में दो नैनो सिम कार्ड या फिर एक नैनो सिम कार्ड एंड 1 TB यानी कि 1024 GB का मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। तो गाइज म्यूजिक लिसनिंग का एक्सपीरियंस है जो काफ़ी ही ज़्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि गाइज डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है और गाइज बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनने को मिलता है, जरा सा भी नॉइज नहीं है और बेस तो गाइज काफ़ी ही तगड़ा है। तो गाइज ऑडियो डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट है जो हर जगह पे भी मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप म्यूजिक सुनते हैं तो ये इफेक्ट आपको मिलने वाला है। आप यूट्यूब वीडियोस देखें, फेसबुक वीडियोस देखें या फिर कहीं पे भी ऑडियो ये सब सुनते हैं तो आपको ये डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट मिलने वाला है, बस आपको सिर्फ ऑन करके रखना है। डॉट नॉच तो काफ़ी छोटा ही होता था, लेकिन गाइस 11 सीरीज में उसको और भी ज़्यादा छोटा कर दिया गया है, जिससे गाइस फुल डिस्प्ले व्यूइंग एक्सपीरियंस है जो काफ़ी ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो गाइज मेरे पास 8 GB रैम वाला वेरिएंट है, तो इसमें गाइज 3 GB रैम एक्सटेंशन मिला है, इट्स मीन गाइज 8+3=11 GB का रैम होने वाला है। अगर गाइज 6 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें गाइज आपको 2 GB का रैम एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। बेसिकली गाइज रैम एक्सटेंशन ऑन करने से आपका फ़ोन का रोम है जो एज ए रैम यूज होने लगता है। एडिशनल सेटिंग गेस्चर शॉर्टकट्स, तो गाइज देख सकते हैं डबल फिंगरप्रिंट सेंसर गेस्चर भी देखने को मिलता है, तो इसमें नन है अभी, तो इसमें गाइज चलिए टर्न ऑन टॉर्च करते हैं और डबल टैप आपको फिंगरप्रिंट पे करना है इस तरीके से। तो गाइज देख सकते हैं फिंगरप्रिंट से यहाँ पे फ्लैश ऑन हो गया है, डबल टैप से ऑफ हो गया। फिर ऐसे हैं गाइज हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो डबल टैप करते हैं तो कंट्रोल सेंटर आ गया, फिर डबल टैप किया तो ये चला गया। और इसी तरीके से लॉन्च कैमरा कर सकते हैं, डबल टैप किया देखिए कैमरा यहाँ पे आ गया गाइज, तो सिर्फ आपको टच करना है, बटन को प्रेस ये सब नहीं करना है। तो चलिए अभी हम फिर से यहाँ पे कुछ ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं,
तो साइलेंट मोड तो डबल टैप करते हैं साइलेंट मोड हो जाता है, हट भी जाता है। आप डबल टैप फिंगरप्रिंट से आप इतना सारा यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। टेक स्क्रीनशॉट तो डबल टैप करते हैं स्क्रीनशॉट हो जाता है। फेस अनलॉक करने के लिए टू फेस ऐड कर पाएंगे, तो बेसिकली MIUI होने का ये एडवांटेज तो आपको अलग से ही मिल जाता है। 360 डिग्री एम्बिएंट लाइट सेंसर, तो गाइस एक लाइट सेंसर तो आगे तो होता ही है, लेकिन पीछे में भी एक लाइट सेंसर और देखने को मिल जाता है। तो वॉल्यूम अप एंड डाउन किए तो जो गाइस आवाज आया वो एक्चुअल में आवाज नहीं था, इस 4D वाइब्रेशन मोटर का वाइब्रेशन हो रहा था। तो गेमिंग में 4D हैप्टिक फीडबैक और भी अलग अलग मिलने वाला है, यहाँ तक कि सेटिंग ये सब भी मिल जाता है, और कैमरा जूम करते हैं तो भी आपको मिलता है। अमोलेड डिस्प्ले है तो नो डाउट AOD फीचर तो मिलने वाला है ही। तो गाइस देख सकते हैं आपको बहुत सारा आइटम्स मिल जाता है AOD के लिए, और गाइस आप कस्टमाइजेशन ये सब भी बहुत अच्छा खासा कर पाएंगे, और देख सकते हैं काफ़ी है वंडरफुल यहाँ पे आपको सब देखने को मिलता है। तो गाइस फोटो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप 4K 30 FPS पे कर सकते हैं एंड 1080p 60 FPS पे, और EIS वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 FPS पे कर सकते हैं, आपको प्राइमरी एंड वाइड एंगल दोनों कैमरा में देखने को मिल जाता है। लेकिन जो EIS है जो डिफॉल्ट है, आपको EIS ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए बटन नहीं मिलता है। 27,000-31,000 तक का फोन है, लेकिन वही 2MP वाला माइक्रो कैमरा चिपका दिया गया है, सो आई एम डिसअपॉइंटेड हियर। आपके 5MP माइक्रो कैमरा ही काफी बेटर फोटोज कैप्चर करते हैं। वैसे तो 20,000 के रेंज वाले फोन में कई बार यूज किया जा चुका है, लेकिन ये 31,000 के होने के बाद भी 2MP आई डोंट नो व्हाई। 117 से 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड कैमरा कर दिया गया है, जिससे काफी ज्यादा वाइड एरिया कैप्चर करता है। जूमिंग की बात करें तो फोटो कैप्चर करने के लिए आप 10x जूम कर पाएंगे एंड वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम आप 6x जूम कर पाएंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि गाइज आपको 48MP में ही 10x जूम फोटो के लिए मिलता था और 6x जूम वीडियो के लिए मिलता था, और 108 मेगापिक्सल होने के बाद भी गाइज इस तरीके की हरकतें। 15x जूम भी कर दिया जाता तो कोई यहाँ पे इमेज पिक्सल नहीं फटने वाले थे, क्योंकि गाइज 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये छोड़े तो एटलीस्ट गाइस वीडियो में तो 10x जूम दे देना चाहिए था। जहाँ गाइस स्लो मोशन सपोर्ट की बात करें तो गाइस आपको मैक्सिमम फ्रेम 960 FPS का मिलने वाला है 720p में, और गाइस इसको आप 40 कर सकते हैं, 120 FPS भी कर सकते हैं 720p में ही, और मैक्सिमम क्वालिटी यानी कि 1080p में बात करें तो गाइस आपको मैक्स 120 FPS ही मिलता है। तो गाइस MI के फोन में आपको भर के कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारे कैमरा फीचर्स को आप और भी डिटेल में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप मेरे Poco X3 Pro वाली फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि गाइस Poco X3 Pro भी है जो MIUI 12.5 पर ही बेस्ड है, और ये सारा कैमरा फीचर्स उसमें भी अवेलेबल है। तो मैं Poco X3 वाली अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं सारा एक्सपीरियंस करा चुका हूँ, और Xiaomi 11i में हमको कहीं डुअल वीडियो मोड देखने को नहीं मिला, सो गाइस आई एम डिसअपॉइंटेड हियर। तो गाइस Xiaomi 11i एंड 11i हाइपरचार्ज दोनों ही इंडिया में 12 जनवरी को 12 PM में लॉन्च हुए हैं। 11i 67W चार्जिंग एंड 5160mAh बैटरी के साथ आता है, वहीं पे 11i हाइपरचार्ज इंडियाज फर्स्ट 120W चार्जिंग एंड 4500mAh बैटरी के साथ आता है, यानी कि 11i से 660mAh बैटरी कम है, जिसके वजह से जनरली 1 आवर कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा 11i हाइपरचार्ज में। तो गाइस इन दोनों फोन में बस यही डिफरेंस मिलने वाला है चार्जिंग सपोर्ट्स एंड बैटरी कैपेसिटी में। तो गाइस प्राइस की बात करें तो 11i 6128 25,000 का, 8128 27,000 का एंड 11i हाइपरचार्ज 6128
128 27,000 का 8128 29,000 का होने वाला है। इट्स मीन 2000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे हाइपर चार्जिंग के लिए। Xiaomi 11i ओनली 15 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है एंड Xiaomi 11i अंडर 30 मिनट में ही 100% चार्ज हो जाता है, तो ये भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लेता है। वैसे इन दोनों में से कोई मुझे एक चुनना होगा तो मैं 11i को प्रेफर करूंगा बिकॉज 1 आवर मोर बैटरी बैकअप इज फर्स्ट प्रायोरिटी और इसमें 2000 रुपया भी कम लगने वाला है। तो गाइस मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं, लेकिन जब आप फोन ऑन करेंगे तो आपको 128 GB में से 106 GB ही कम्प्लीटली फ्री देखने को मिलेगा।